मतलब तो कुल कितने दिन आपने ये सब किया? 20 दिन 20 दिन 20 दिन में हमने फिल्म शूट खत्म की। फिल्म में कोई हीरोइन नहीं? नहीं, इसीलिए भी इसलिए हीरोइन ने रखी, वरना 20 दिन में खत्म नहीं कर पाते। हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था हमें किसी किस्म का। फिल्म की ड्यूरेशन कितनी होगी? एक घंटा 50 मिनट के तकरीबन आसपास में। इनिशियली 2 घंटा थी, फिर थोड़ा एडिट होते होते अभी 1:50 के आसपास आ गया। 20 दिन में आपने अलग अलग वहाँ पे कोई हीरोइन नहीं मिली आपको पाकिस्तान बॉर्डर? हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ बॉर्डर के आसपास हमें जवानों के अलावा और कोई नहीं मिला। जवानियाँ नहीं मिली, सिर्फ जवान मिले। नेशनल अवार्ड हमें बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का मिला था लास्ट ईयर, जो जब हमें न्यूज़ मिली हम लोग सारी पूरी टीम सब बावले हो गए थे। मतलब सिंक नहीं हो रही थी वो न्यूज़ की कैसे हम, मतलब वी वर रियली 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 हैप्पी, क्योंकि फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी। हम चाहते थे कि यार सब लोग देख लेते तो कितना मज़ा आता। लेकिन क्योंकि जब हमने फिल्म शुरू की हमारे पास कोई नाम नहीं थे, हम दोनों को आप लोग नहीं जानते हैं और डायरेक्टर भी नए हैं। हम सब लोग जो हैं रिलेटिवली, भले जो एक्टर्स हैं वो सारे थिएटर बैकग्राउंड से हैं, अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं, लेकिन कोई सेलेबल नेम नहीं है। लेकिन UTV ने हमारी फिल्म देखी। इंटरेस्टिंगली इस फिल्म से जुड़े हुए ज़्यादातर क्रेडिट न्यूकमर्स, डायरेक्टर पहली बार है, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर भी, मतलब हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा थोड़ा ही काम किया, बट हमारे लिए मेनली नया काम है। तो एंटायर न्यू टीम केम टुगेदर, पुट देयर 100% एफर्ट। तो उन लोगों को फिल्म सेल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट श्रृंगार और UTV ने हमारे में कॉन्फिडेंस दिखाया और उस वजह से अब फिल्म रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। वो उसके बारे में तो इन लोगों को ही पता होगा। नहीं, सलमान जी सलमान जी को भी पता होगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे आपने काफ़ी बहादुरी का काम किया, मतलब फिल्म बनाई है ये। बहादुरी कैसे? नहीं मतलब हिम्मत से फिल्म बनाई है, प्रशंसा करनी होगी। हिम्मत से हर कोई फिल्म बनाता है। हर फिल्म बनाने में अच्छी हो या बुरी मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन कंटेंट अगर अच्छा हो तो फिर वो पब्लिक के सामने आता है। पोस्टर में सलमान शाह को साथ लेना ये भी बड़ी बात है। आमिर भी ऑल ढाई किलो का हाथ भी जी नहीं नहीं, ये तो जिन्होंने पोस्टर डिजाइन किया है उनसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए, हम तो महज उन्होंने उनको भी इंस्पिरेशन फिल्म देख के ही मिला, बिकॉज हम दोनों फिल्म के अंदर बॉलीवुड वर्शिपर हैं, फिल्मी कीड़े हैं, वो बॉलीवुड को एक तरह से मतलब हमारे ब्लड में है, तो उसको वहाँ से वो आइडिया मिला, तो उसने बॉलीवुड को भगवान के तौर पर और हमको भक्त के तौर पर दिखाया, तो वो उसका पोस्टर डिजाइनर का कॉन्सेप्ट है। वेरी इंटरेस्टिंगली उसने कन्वे किया फिल्म का एक जो भी थॉट है। इसके लिए ये इसका जवाब तो हमारे पास नहीं। हम तो सब हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देख सकें, हमको उतनी खुशी होगी, और अगर आमिर, सलमान, शाहरुख साहब सब अगर एक साथ आ गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए कि एक साथ कम से कम फिल्मिस्तान के नाम पे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। फिल्म में म्यूज़िक है, अरिजीत दत्ता ने फिल्म का म्यूज़िक दिया है, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। 2 गाने शफकत अमानत अली ने गाए हैं और 1 गाना निखिल डिसूजा ने गाया है, और बहुत बढ़िया गाने हैं। मतलब एक मिक्स फ्लेवर है उसके अंदर, थोड़ा सूफियाना भी है, थोड़ा फोक भी है, थोड़ा फन भी है, सभी। अच्छा, फ्यूचर में कैसे फिल्म्स करना चाहेंगे आप? फ्यूचर में अच्छी फिल्म्स करना चाहूँगा। हाँ, डिफाइन अच्छी, जिसमें मेरे रोल अच्छा हो, जिसमें जिसकी कहानी अच्छी हो, जिसका हिस्सा बनने के लिए मैं मतलब पहली फुर्सत में जैसी कहानी सुने मैं कूद पड़ूँ। बाकी अभी तो फिलहाल हम लोग बस ऐसे ही वेट कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर 6 जून एंड होपफुली 6 जून इज कमिंग सून। छः जून को रिलीज हो रही है, मेरे ख्याल से हॉलीडे रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार तो भाई है अपना। जी हम उनसे कंपेयर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी फिल्म है, उनको हमसे कोई डर ही नहीं है। उनकी
उनकी ऑडियंस फिल्म देखने जाएगी और जिन्होंने हमारी देखी उनको पसंद आई तो वो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे कि ये फिल्म अच्छी है, ज़रूर देखिए। तो उनसे ना उनको हमसे बिल्कुल भी डरनी है। फिल्म बड़ी छोटी नहीं होती मेरे ख्याल से, फिल्म अच्छी और बुरी होती है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। और जिनको फिल्में पसंद आती हैं उन्हें फिल्मिस्तान ज़रूर अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा 6 जून को फिल्मिस्तान नेशनल अवार्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दैट। फॉर द फुटेज, कितना फुटेज खाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, एक्साइटेड।